हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं सृष्टि दीक्षित आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। ठीक है, आज पहले वीडियो में मैंने देखा था आपको कि बीसीए क्या है, कैसे, इन सब के बारे में। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा चीजें जानें कि बीसीए करने के बाद हमें क्या क्या चीजें जॉब के लिए बेनिफिशियल है, क्या सारी चीजें। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके। जिनको नहीं पता है बीसीए के बारे में वो भी जान पाए कि बीसीए करने के बाद हम क्या क्या जॉब पा सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिरकार बीसीए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉप 12 ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं आफ्टर बीसीए। ठीक है, टॉप 12 शॉर्ट टर्म कोर्सेज बीसीए करने के बाद आपको ऐसे कोर्सेज के बारे में हम बताएंगे जिससे कि आप अपने जॉब के लिए अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ओके, कैरियर ऑप्शन क्या है मैं आज बताऊंगी आप लोग को। बीसीए करने के बाद क्या क्या हमें कैरियर ऑप्शन में हम चूज कर सकते हैं, वहां पे जाकर के अपने अच्छी खासी चीजों को कर सकते हैं। जॉब आफ्टर बीसीए यानी कि ये सारी चीजें हैं, हम जानेंगे कि बीसीए करने के बाद हम क्या जॉब पा सकते हैं, किस फील्ड में जाएं जहां पे हम बीसीए करने के बाद अपनी अच्छी खासी सैलरी, अच्छे कामों को करके अपनी हम सैलरी और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सारी चीजों को डेवलप कर सकें। ओके, आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कोई भी दिक्कत होगी तो परेशान नहीं होना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा ताकि मैं आपके कमेंट को देख करके जो भी आप लोग के डाउट होंगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजों को बताने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, पहला आपका सबसे पहले आ जाता है, देखिए सबसे पहले आपका आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्टिफिकेशन सिलेबस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक ऐसा है कि आजकल आप कहीं भी जाएंगे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ही आना चाहिए। जैसे कि सबसे ज्यादा सी लैंग्वेज से स्टार्ट होता है बहुत सारी लैंग्वेजेस, तो उस लैंग्वेज में जाकर के हम लोग अच्छे खासे अपनी चीजों को कर सकते हैं जो भी बीसीए के बारे में। अगर आप प्रोग्रामर अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आपने सीखा है तो बहुत अच्छा स्कोप, आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी उस कोडिंग के अकॉर्डिंग और अच्छी खासी आपको जॉब भी मिल सकती है। ओनली कोडिंग, जो बच्चा सिर्फ कोडिंग किया है ना तो वो कोडिंग के अकॉर्डिंग भी अपनी जॉब के लिए कर सकता है। तो आपका सबसे पहले आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्टिफिकेशन सिलेबस। इस सिलेबस के बारे में हम देखते हैं क्या सिलेबस है, फिर हम जानेंगे कि सिलेबस को पढ़ने के बाद हम जॉब क्या क्या पा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन डेप्थ कवरेज ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट एंड सिंटैक्स रूल ऑफ द चोसन लैंग्वेज। ठीक है, चोसन लैंग्वेज जो है ये आपका फर्स्ट है, देखिए बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग क्लीनर इफिशियंट एंड मेंटेनिंग कोड। मतलब इसका मतलब क्या है, मेंटेनेबल कोड, यानी कि ये है कि अगर आप पूरे अच्छे तरीके से कोडिंग करेंगे, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपका क्या होता है, कोडिंग। जब आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कोडिंग करेंगे किसी भी लैंग्वेज की तो सिंटेक्स वगैरह उसका बनाएंगे वो सारी चीजें आपको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये जो आपकी सारी चीजें होती है ये आपकी एक प्रकार की कोडिंग है, चाहे वो डाटा साइंस हो चाहे डाटा स्ट्रक्चर हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ये आपको बताया जाएगा। आई होप आप लोग कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हमें परेशान नहीं होना, हमें आराम से वीडियो को देखना है। जब हम वीडियो को देखेंगे उसके बाद से हम चीजों को आराम से यहाँ पे कर पाएंगे। जिसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ये ले सकता है, लेकिन अब अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो परेशान नहीं होना, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, परेशान नहीं होना है। बस कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि जिनको नहीं पता है बीसीए करने के बाद हम जॉब कैसे करें, जॉब करने के मैं बीसीए कर ले रहा हूं पर मैं जॉब नहीं पा सकता, ऐसा कुछ नहीं। बीसीए करने के बाद आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं, बहुत अच्छे खासी सैलरी के साथ पा सकते हैं। ठीक है, फिर जॉब प्रोफाइल इन इंडिया, इसको करने के बाद जो फर्स्ट मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताई, प्रोग्रामिंग के करने के बाद हम क्या क्या जॉब पा सकते हैं। तो देखिए हम जॉब के लिए बात करें तो पाइथन डेवलपर, आप पाइथन लैंग्वेज सीख करके आप पाइथन के डेवलपर भी बहुत अच्छा बन सकते हैं, जावा डेवलपर बन सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस डेवलपर बन सकते हैं, सी लैंग्वेज आपकी एक प्रिय। ये जो सारी आपको मैंने कोर्सेज बताया ना, ये सारे जॉब प्रोफाइल इन इंडिया, मतलब इंडिया में इसको करने से, इन सारे कोडिंग को करने से आप जॉब क्या पा सकते हैं। तो जॉब पाने के लिए आपको जैसे पाइथन लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है, आजकल इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है कोडिंग वगैरह करने के लिए। जावा स्क्रिप्ट आप करेंगे तो जावा डेवलपर बन सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रकार की आपकी कोडिंग। मतलब जो मैंने आपको बताया फर्स्ट, आपको यहाँ पे मैंने भी बताया ना आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्टिफिकेशन सिलेबस, इस आपका ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर इतने सारे सिलेबस आपको मिलेंगे। इस सिलेबस को करने के बाद आपको ये जॉब प्रोफाइल इंडिया, मतलब इसको करने के बाद इंडिया यानी अपने भारत में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट करके जावा स्क्रिप्ट का आप डेवलपर बन सकते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस डेवलपर बन सकते हैं, पीएचपी का पढ़ के सिलेबस आप पीएचपी के डेवलपर बन सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें हमारी क्या है, जॉब प्रोफाइल इंडिया के लिए, मतलब भारत में हम लोग ऐसे कोर्सेज को करके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरा अपना 100% दे करके चीजों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर सेकंड आपका आता है वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन सिलेबस, सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन
कोर्सेज, ये आपका दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन आपका है ठीक, जिसमें आपको आ जाता है फॉन्ट इन डेवलपमेंट। फॉन्ट इन डेवलपमेंट मतलब पहला, जब हम कोई सीढ़ियां चढ़ते हैं सपोज दैट एग्जांपल, तो पहले हम लोग फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो जब थर्ड सीढ़ी ना वो लास्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसी अकॉर्डिंग पहले आपका फॉन्ट इन डेवलपमेंट। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा जो आता है दिस फोकस ऑन द विजुअल एक्सेप्ट एंड यूजर इंटरेक्शंस ऑफ अ वेबसाइट, मतलब वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें बताया जाएगा ठीक है। सेकंड आपका बैक इन डेवलपमेंट, बैक मतलब होता है कि हमें देखना उसमें बैक बने, फ्रंट हुआ फिर आपका बैक एंड करना हो गया, तो बैक इन डेवलपमेंट में आपको हैंडल्स द सर्वर साइड लॉजिक एंड डाटा बेस इंटरेक्शंस दैट मेक वेबसाइट फंक्शन, इसके फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। पहले आपको स्टार्ट किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसमें क्या क्या छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें बताया जाएगा। सब लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे बढ़िया सा, कहीं भी दिक्कत होगी तो परेशान हमें नहीं होना है, बढ़िया से पढ़ना है। सेकंड आपका आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, मतलब जो लास्ट आपका, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको, फर्स्ट सीढ़ी चढ़ना है फिर सेकंड चढ़ना है फिर थर्ड चढ़ना है, उसी अकॉर्डिंग अभी हमें पहले फ्रंट इन डेवलपमेंट, फिर बैक इन डेवलपमेंट, फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा इन कॉम्प्रेस बोथ फ्रंट इन एंड बैक इनेबलिंग यू टू बिल्ड एंड्रॉइड वेब एप्लीकेशंस, मतलब इन दोनों को मिला करके जो आपके लास्ट होते हैं, इन लास्ट में फ्रंट एंड बैक को बैकअप को मिला करके सारी चीजों को बनाया जाता है। तो ये आपके किसमें आते हैं, वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन का अगर आप कोर्स करते हैं तो उस कोर्स में आपको ये सारे सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। जहां भी आप करेंगे, आप ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी रह करके आप इस कोर्स को, बीसीए का कोर्स आप कहीं से भी रह के कर सकते हैं। करने के बाद उसके बाद आप ये सारे कोर्सेज को अगर करेंगे पढ़ेंगे तो इसमें ये सारे, मैं थोड़ी बहुत आपको टॉपिक बता रही हूँ, लेकिन जब आप क्लास में पढ़ेंगे या ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको टीचर्स जो है वो बढ़िया से पढ़ाएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है ठीक है। मैं ऐसा करूंगी कि आप लोग समझ में आ रही होगी जो भी मैं चीजें थोड़ी बहुत आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन बढ़िया से पढ़ना है। और आप लोगों को मैं एक भी और भी चीजें बता दूं कि बीसीए के लिए जो भी बच्चे कहीं से भी हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो इंडिया से बाहर हैं, बीसीए की अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको परेशान नहीं है, क्योंकि आपका अपना परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु जो है वो आप लोगों के लिए बीसीए की कंप्लीट तैयारी करवा रहा है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर कोई भी सेमेस्टर हो, उन सारे सेमेस्टर की आपको तैयारी कराई जा रही है। नया बैच है हमारा बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर संकल्प बैच का, जो अभी 2024 एंड 25 के लिए बीसीए का स्टार्ट है। तो जो भी बच्चे बीसीए में अभी इनरोल किए हैं, एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, तो वो लोग फटाफट यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीसीए की तैयारी कराई जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसको करने से, यानी वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन का कोर्स करने से, इसको सिलेबस के पढ़ने से हम इसके बाद जॉब क्या पा सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल इन इंडिया, ये जो आपका कोर्स है, इस कोर्स को करने से हम जॉब क्या पा सकते हैं, चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे आपका फ्रंट इन डेवलपमेंट हो गया ठीक, बैक इन डेवलपर हो गया आपका, फुल स्टैक डेवलपर हो गया, ये हम यानी कि हमने जो अभी आपको देखा कि वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन का सिलेबस पढ़ने के बाद हमें जो है जॉब, हम ये जॉब कर सकते हैं, ये हमारी जो है जॉब प्रोफाइल इन इंडिया, इंडिया में, मतलब ये वाले कोर्स को करने के बाद, वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन का अगर हम कोर्स कर लेंगे, कोर्स को करने के बाद हम पा सकते हैं इंडिया में ऐसे सारे जॉब करने। तो कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ आप लोगों की चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, हम वीडियो को देखेंगे, उसके बाद जो भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर हम कमेंट करेंगे, ताकि हमारे जो भी डाउट उसको मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन देख करके हमारी टीम जो है उसको सॉर्ट आउट करेगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा आपको चीजें बताने की कोशिश करेंगे बीसीए के बारे में। फिर देख लेते हैं जो आपका थर्ड है, थर्ड में आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेशन सिलेबस, ये भी आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना वो भी बहुत ज्यादा आजकल के स्कोप में है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर सर्टिफिकेशन का अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं या कोर्स करते हैं तो उसको करने से भी आपको काफी, तो इसमें हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेशन में क्या क्या सिलेबस है, जिस सिलेबस को पढ़ने के बाद हम अपनी जॉब को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि आपका आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें रीड करना है, पढ़ना है, ताकि हम उसको और अच्छे से कर पाए। सेकेंड आपका आता है स्पेसिफाइड क्लाउड प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल आपका AWS हो गया माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक आपका होता है, फिर Azure हो गया, Google हो गया, क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, इट्स कोर सर्विस टूल्स एंड फंक्शनैलिटीज क्लाउड आर्किटेक्चर एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल्स को डिजाइन करते हैं, जो सारी चीजें बनाई जाती हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग, तो ये जो हमारा कोर्स रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग के, एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेशन का जो कोर्स हम करेंगे, इस कोर्स में हमारे ये सारे टॉपिक आएंगे, इन सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद से इसको करने से हम जान लेते हैं कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेशन का सिलेबस है, कोर्स है, अगर हम पढ़ते हैं इसको, पढ़ने के बाद हम क्या जॉब इसमें कर सकते हैं। कोई बच्चा है अगर ये एक, अगर इन सब सारी चीजों में से अगर कोई बच्चा एक कोर्स भी अच्छे से कर लेता है बीसीए के बाद,
तो बढ़िया तरीके से अपनी जॉब को करके अपनी अच्छी खासी सैलरी इंप्रूव करके, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि आप पहले अगर स्टार्ट करते हो कोई चीज तो थोड़ी बहुत आपको चीजें करना पड़ता है कि हम अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हमें घबराना नहीं है, पहले हमें स्टार्ट करना है। जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे आपके एक्सपीरियंस हो जाएंगे, एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी आपके एक्सपीरियंस भी होंगे, देन आपका सैलरी भी बढ़ेगा। इसको करने के बाद हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेशन का कोर्स करने के बाद हम देख लेते हैं इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हम जॉब क्या पा सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल इन इंडिया, हम क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स सिलेबस पढ़ने के बाद हम जॉब क्या पा सकते हैं। जैसे कि आपका हो सकता है क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड इंजीनियरिंग आप बन सकते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो, ठीक हो, डेवऑप्स इंजीनियर। तो ये आपके हो गए इस कोर्स को करने के जॉब प्रोफाइल इंडिया। मैं ये सारी चीजें आपको बता दी, इसको करने के बाद आप आराम से जॉब कर सकते हैं। फोर्थ आपका आता है नेटवर्किंग का, नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन सिलेबस। इस नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन का अगर हम कोर्स करते हैं, कोर्स में देखते हैं क्या क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि मैं सिर्फ नेटवर्क के बारे में नॉलेज, वैसे नॉलेज तो हर चीज के बारे में होना चाहिए आपको, चीजें क्या है, लेकिन अगर आप नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन का सिलेबस पढ़ते हैं तो इस सिलेबस में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, इसको करने के बाद हम देख लेते हैं कि इसको करने से हम जॉब क्या पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका आ गया कि नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन का सिलेबस, इस सिलेबस में हमें पढ़ना है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। सबसे मेन आपका होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल जो है ना वो हमारा बेस है, तो अगर हमारा बेस स्ट्रांग है तो आगे चल के जो भी सारी चीजें आएंगी, बेस अगर हमारा स्ट्रांग है तो कोई भी हार्ड से हार्ड चीज आए वो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपना बेस स्ट्रांग कर, तो बेस में आपका कंप्यूटर में सबसे ज्यादा बेस जो आपका है फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी कि आपका आईटी, आईटी जो है ना ये आपका कंप्लीट फंडामेंटल, यही से हमारे कंप्यूटर की शुरुआत होती है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। तो इसमें जो आपका नेटवर्किंग का है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स। हार्डवेयर के बारे में बताया जाएगा, सॉफ्टवेयर कैसे होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं इसके बारे में, फिर नेटवर्क डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके बारे में आपको बताया कि नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे भी किसी चीज को डिजाइन करते हैं, किसी भी वेबसाइट वगैरह को अगर हमें डिजाइन करना है तो हमें नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर आपको आ जाता है टर्बो शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, हम टर्बो शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। मतलब ये सारे आपके सिलेबस है नेटवर्क सर्टिफिकेशंस के, जो सिलेबस है इस सिलेबस में ये जो दो चार पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो डीपली नॉलेज होगा, जब आप कहीं पे स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीज, आपके टीचर्स होंगे चाहे वो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहे, चाहे वो कहीं से पढ़ेंगे, अगर ऑफलाइन बच्चा है अगर ऑफलाइन ही पढ़ना चाहे ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिर हम जॉब प्रोफाइल की बात कर ले तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क के बारे में भी आप आराम से वहां पे देख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। आपका पांचवें नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो हर कोई जानता होगा, साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे है, क्या इसके यूजेस हैं आज के जमाने में। आज के जमाने में भी तो भाई कंप्यूटर की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आजकल सारी चीजें क्या हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं, तो कंप्यूटर के बारे में हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ क्लास सिक्स में अगर आप इनरोल, क्लास सिक्स में कोई स्टूडेंट है तभी से आपके कंप्यूटर के जो है सिलेबस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर देख लीजिए कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक। आपका फिफ्थ नंबर पे आ जाता है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का जो सिलेबस है इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद हम आराम से अपने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को करके इसके बाद भी हम कोई जॉब आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में क्या सिलेबस है जिसको हमें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आ जाता है सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फंडामेंटल मैंने बताया ना, फंडामेंटल आपका बेस है, फंडामेंटल आपका हर जगह आएगा। जब अगर जिस भी स्टूडेंट्स का फंडामेंटल स्ट्रांग है वो आराम से, यानी आईटी आपको पहले जैसे कि आपके आईटी फंडामेंटल का सारा पढ़ना होता है, तो इसमें आपको आ जाएगा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है बनाना, ठीक, कैसे हम किसी चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करके कर सके। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सपोज दैट, तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना कि अगर आपका टेंथ का एग्जाम है, आप एग्जाम देना चाहते हैं सपोज दैट, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ना कि हमें ये पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, सारे को एक साथ लेके चलना। तो एक साथ ले जाने का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट, मतलब पूरे तरीके से मुझे जो भी काम करना है बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो यही आपका हो गया सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, मतलब हमें पूरी सारी चीजों को एक साथ मैनेज करके चलना। आपका सेकंड नंबर पे आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा, सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा, किसका क्या सिस्टम, इसकी क्या सारी चीजें हैं वो। फिर आपका आ जाता है क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपको बताया जाएगा, लीगल एंड
एंड आइदर एक्सेप्ट एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पता है, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के सिलेबस में ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। मतलब ये इसमें जो भी थोड़े बहुत और टॉपिक होंगे वो टॉपिक आप जब क्लास में पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीजें आपके टीचर्स आपको बताएंगे। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ बताने की कि जो भी बच्चे के कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं ना कि मैं बीसीए कर रहा हूँ, बीसीए करने के बाद क्या हम जॉब पा सकते हैं, तो ये बच्चों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि जो भी बच्चों की कुछ डाउट हो वो डाउट जो है बच्चों के थोड़े क्लियर हो पाए। इसके बाद भी अगर आप लोगों के कोई डाउट होंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि अगर वो लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो परेशान हो रहे हो कि मैं बीसीए तो कर रहा हूँ लेकिन क्या मैं जॉब नहीं पा सकता हूँ, तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना, क्योंकि हम बीसीए करने के बाद हम जॉब भी पा सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी के साथ पा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का कोर्स करने के बाद हमें क्या जॉब मिल सकता है, उसमें क्या हमें करना होगा। कि करीबन जो है वो 60,000 से मंथली आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, तो जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे वैसे आपकी सैलरी में भी इंप्रूवमेंट आते जाएंगे। फिर हमने देखा ना साइबर सिक्योरिटी के बाद इसमें हमने जॉब प्रोफाइल इन इंडिया, इंडिया में ही जॉब, इंडिया में ही नहीं, अगर यहाँ पे सिर्फ इंडिया लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया में ही जॉब कर सकते, आप इंडिया के बाहर भी अगर जा रहे हैं तो भी आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं बीसीए करने के बाद। ओके, सिक्योरिटी एनालिटिक्स क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या होता है, इनहेटिकल हैकर, हैकर जो होता है वो हैकिंग वगैरह जो होती है वो सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। 6 नंबर पे आपका आता है डिजिटल मार्केटिंग। भाई डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन का जो सिलेबस है ना ये बहुत ज्यादा, आजकल इंडिया में आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा ही स्कोप है। इसलिए स्कोप है क्योंकि सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, तो डिजिटल इंडिया भी बढ़ना जरूरी है ना। अगर कोई बच्चा है अगर वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेता है तो उस कोर्स को करने के लिए हमें क्या सिलेबस पढ़ना होगा और सिलेबस को पढ़ने के बाद हम जॉब कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन में जो सिलेबस होते हैं, फर्स्ट आपका आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO, SEO का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आपका आ जाता है एंगेज मार्केटिंग SEM, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा कॉन्टेक्ट मार्केटिंग हो जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे हम कर सकते हैं, ईमेल की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ईमेल हम बनाते हैं तो उसका क्या चीज है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाएंगी डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन का जो अगर आप कोर्स करेंगे तो उस कोर्स को करने में आपके ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे, करने के बाद आप आराम से जॉब कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, कहीं भी, चाहे इंडिया हो चाहे आप इंडिया के बाहर हो। ठीक है, मैं ऐसा समझ रही होंगी कि मैं जो भी समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, और हाँ अगर समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊं उसमें भी कुछ आपके जो भी क्वेश्चन तो उस रिगार्डिंग हम बना सके आप लोगों के लिए कोई प्यारी सी वीडियो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना। जॉब प्रोफाइल की बात कर ले तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो कर लिए, अब हम कोर्स करने के बाद जॉब क्या कर सकते हैं, तो सर्च इंजीनियरिंग मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का कोर्स है, आप इसको मतलब जॉब है ये, जॉब आप आराम से कर सकते हैं। 7 नंबर पे हम देख लेते हैं क्या है AI। AI का फुल फॉर्म आपका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इतना ज्यादा और भी बढ़ जाए कि लोगों के लिए थोड़ा सा वो हो जाए, काफी अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर हम आर्टिफिशियल यानी AI एंड ML कोर्सेज, ये आपका AI एंड ML कोर्सेज क्या है, कोई बच्चा कहा कि AI एंड ML कोर्सेज क्या है, इसमें हम सिलेबस तो AI का फुल फॉर्म होता है आपका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML का फुल फॉर्म होता है मशीन लर्निंग या मशीन लैंग्वेज। ओके, इस सिलेबस में हम बात कर लेते हैं कि इस सिलेबस में हमें क्या मिलेगा, तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा फंडामेंटल ऑफ IT, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इसका बेस क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ जानेंगे ये सारी चीजें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्टिफिशियल का कंप्लीट चीजें, लेकिन इस वीडियो को जब आप देखेंगे सारा तभी तो आपको समझ में आएगा ना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो उसमें भी आपको चीजें समझ। तो हमने देखा कि AI एंड ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग या मशीन लैंग्वेज क्या है, कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ने के बाद हम जॉब कैसे कर सकते हैं और क्या हमारी सैलरी होगी। तो जैसे इसमें बताया कि आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग एंड मशीन लैंग्वेज में जो कोर्स करने के बाद इसमें जो सिलेबस आपके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ AI, मतलब AI यानी आर्टिफिशियल का बेस क्या है, फंडामेंटल क्या है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको वो बताया जाएगा कि कैसे ये बना, कहां से ये आया,
किसने इसकी उत्पत्ति की, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, इसके अंदर के जो कंटेंट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी फिलहाल के लिए हम जान लेते हैं कि क्या, क्योंकि ये कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे ना, मैं बीसीए कैसे करूंगा और कहां से करूं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि बीसीए आपको ऐसे ऐसे करना। आई होप कुछ लोगों ने हमारी वीडियो को देखा भी होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाकर के आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपका आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर AIML, यानी कि कोडिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग करना। आपको सारी चीजें से C++, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, तो ये सारी जो क्या है हमारी लैंग्वेज है। HTML भी आपकी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये भी आपकी एक प्रकार की कोडिंग है। तो हमने इसमें देखा प्रोग्रामिंग लर्निंग फॉर AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में, जो प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग की कैसे कोडिंग की जाएगी, AI की कैसे कोडिंग की जाएगी, देन मशीन लैंग्वेज की कैसे कोडिंग की जाएगी, तो वो आपको सारी चीजें यहाँ पे बताई। डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कोई डेटा है उसको हम कैसे यूज करें और उसके विजुलाइजेशन को कैसे, यानी पूरा उसका कॉन्सेप्ट, उसकी पूरे निचोड़ को हम कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हम जानेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। फिर इसको करने के बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैंग्वेज का कोर्स करने के बाद, सिलेबस को पढ़ने के बाद जॉब क्या पा सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल के लिए अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपका आ गया मशीन लर्निंग इंजीनियर, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर का भी आप आराम से जॉब पा सकते हैं। सेकेंड आपका आता है डाटा साइंटिस्ट, ठीक है। फिर आपका आता है रोबोट साइट्स इंजीनियर, आप बन सकते हैं कंप्यूटर वर्जन इंजीनियर, कंप्यूटर का कैसे क्या चीजें हैं उसके बारे में आप ये भी जॉब पा सकते हैं। इसको करने के बाद यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स करने के बाद हम उस कोर्स में ये सारे सिलेबस को पढ़ेंगे। इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हम आराम से पा सकते हैं ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स, यानी कि कुछ जॉब के कोर्सेज को हम पाएंगे, ताकि इस जॉब को करने, मतलब आप ये आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग का आप कोर्स करेंगे, उस कोर्स में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आप आराम से जॉब कुछ पा सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर आप बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, रोबोट साइट्स इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर वर्जन इंजीनियर आप बन सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ, अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना है, ध्यान दीजिएगा। ये छोटी सी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, कुछ बच्चों का डाउट था तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिससे कुछ बच्चों के डाउट क्लियर हो सके। आठवें नंबर पे आपका आता है बिजनेस एनालिटिक्स कोर्सेस। अब बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स है इसमें क्या सिलेबस है, हम इसको करने में देखते हैं कि बिजनेस का जो एनालिटिक कोर्सेज होता है इसमें कुछ सिलेबस होंगे, तो सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या सिलेबस आपका। जैसे कि डाटा एनालिसिस टेक्निकल्स यूजिंग एक्सेल एसक्यूएल एंड पाइथन। पाइथन मैं बता रही हूँ ना आपको कि आपकी जो पाइथन लैंग्वेज है ना ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। पाइथन लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन जब आप कोई भी चीज होता है स्टार्टिंग आपको हार्ड ही लगता है, लेकिन क्या होता है हमें पढ़ाई तो करना, जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो चीजें थोड़ी सी नॉर्मल लगेगी, लेकिन हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो वो चीज आपको हार्ड लगेगी। कोई भी काम करने से पहले हार्ड लगता है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत ईजी लगेगा, ठीक। डाटा एनालिसिस आपको इसमें ये सिलेबस, यानी बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स में ये कुछ सिलेबस के पॉइंट्स है, इस सिलेबस को हमें पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाटा एनालिसिस टेक्निक्स यूजिंग एक्सेल आपको पढ़ना है। जैसे आप फंडामेंटल में आपके एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट आ गया, तो इसमें आपके ये एक्सेल आपको पढ़ना है। एक्सेल का मतलब होता है एक्सेल सीट होती है, जैसे भी किसी भी स्टूडेंट का आपको डाटा एंट्री करना होगा, डाटा एंट्री करने की भी जॉब आती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। मार्कशीट वगैरह अगर आपको बनाना है तो इस एक्सेल पे कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, तो ये आपको बताया जाएगा जब आप कहीं भी स्टडी करेंगे तो आपको बताया जाएगा, कोई सा भी आप कोर्स करते हैं। एसक्यूएल आपका है एंड पाइथन लैंग्वेज है, ये पाइथन लैंग्वेज के बारे में आपको बताया, यानी एक्सेल एसक्यूएल एंड पाइथन के बारे में आपको बताएगा। सेकेंड टॉपिक आपका आ जाता है स्टैटिक्स एंड मॉडलिंग मेथड्स टू अंडरस्टैंड डाटा पैटर्न फॉर प्रेडिक्शन एंड प्रोसेकास्टिंग्स, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। फिर डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग चैट्स एंड ग्राफ्स टू कम्युनिकेट इंस्टेलिट्स फॉर इफेक्टिविटली, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। यानी डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, इसके चैट्स ऑप्शन क्या है, इसकी ग्राफिक्स क्या है, वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। ओके, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसको करने से हम जॉब क्या पा सकते हैं, जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात कर लें तो जैसे कि
आपका बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स हो गया, डाटा एनालिटिक्स, ये सारी चीजें जो होती है इसको करने से हम जॉब पा सकते हैं। तो जो आपका कोर्स मैंने बताया कि बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स का जो ये सारी चीजें, ये सिलेबस हमें पढ़ना, इस सिलेबस को करने के बाद हम जॉब पा सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स, ये आपको चीजें बताई जाएंगी। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, नौवें नंबर पे आपका था डाटा साइंस का कोर्स। तो अगर आप डाटा साइंस का भी कोर्स करते हैं तो डाटा साइंस का कोर्स करने में क्या सिलेबस होते हैं वो सिलेबस हम जान लेते हैं कि डाटा साइंस का जो सिलेबस है उसमें क्या है। तो आपका सबसे पहले आ जाता है प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ लेंगे आपका प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हैं, स्टैटिक्स एंड मैथ्स क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डाटा वार्निंग एंड क्लीनिंग क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन क्या है। तो ये आपके जो डाटा साइंस का कोर्स है इसमें कुछ सिलेबस है, इस सिलेबस को हम देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें आपको सबसे पहले टॉपिक्स आपका प्रोग्रामिंग करना होगा, तो आपके प्रोग्रामिंग कोडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टैटिक्स एंड मैथ क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मशीन लर्निंग क्या है, कैसे हम किसी भी जो मशीन होता है इसको कैसे स्टार्टिंग करना, वो चीजें हम यहाँ पे देंगे। डाटा वर्ड लर्निंग क्या है आपका, जो वर्ड लर्निंग एंड क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, किसी भी डाटा को अगर हमें बनाना है, बनाने के बाद हम उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें बताया जाएगा। डाटा साइंस में डाटा विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ओके, मैं अपना 100% दूंगी और कोशिश करूंगी आप लोग भी पूरा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहेंगे। कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट होगा तो जरूर आप हमें बताएंगे कमेंट सेशन में। अब इसको करने का, अगर हम डाटा साइंस का कोर्स कर लेते हैं तो हम देख लेते हैं कि हम जॉब क्या पा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल्स इन इंडिया के बारे में। तो इंडिया, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंडिया लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही आप जॉब कर सकते हो, आप कहीं भी रह के आराम से जॉब कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम जॉब क्या पा सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स बन सकते हैं, मतलब ये आपके कुछ जॉब है। तो आप इन सारे दो चार पॉइंट्स मैंने बताने की कोशिश की है। अब इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, जब आप उस फील्ड में जाएंगे तो वहां पे आपको जो भी आपको गाइडेंस करने वाले होंगे, जो भी आपके टीचर्स होंगे, वो सारी चीजें आपको गाइड करेंगे। मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बताने की कोशिश की है ताकि आपको चीजें पता हो। जो बच्चे कंफ्यूज होती है कि अगर मैं ये कोर्स कर रहा हूं, इस कोर्स करने के बाद क्या पता हमें जॉब मिले या ना मिले, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमें जॉब मिल सकता है, बहुत अच्छे से अच्छे जॉब मिल सकती है। ओके, तो ये कुछ चीजें समझ में आई कि अगर हम डाटा साइंस का कोर्स करते हैं तो उसमें आपके जो कुछ सिलेबस है, जैसे प्रोग्रामिंग, स्टैटिक्स एंड मैथ्स, मशीन लर्निंग, डाटा वर्ल्डिंग एंड क्लीनिंग एंड डाटा विजुअलाइजेशन, ये आपके कुछ टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हमने जॉब के बारे में बताया कि जॉब आप पा सकते हैं, जैसे कि डाटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर आप बन सकते हो एंड डाटा एनालिटिक्स बन सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट आपका 11वें नंबर पे आता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। जो ग्राफिक डिजाइनिंग का आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग जो हमारे बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह बनते हैं वो सब यहीं से बनते हैं, तो हमें उसके पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना होगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ कोर्स हैं, इस कोर्स में कुछ सिलेबस हैं, उस सिलेबस उस पॉइंट को हमें पढ़ना है। जैसे हम क्लास फर्स्ट में पढ़ते थे तो हमारे कुछ थोड़े बहुत सिलेबस होते थे, जब हमने ट्वेल्थ किया तो ट्वेल्थ में थोड़ा ज्यादा, यानी कि धीरे धीरे जैसे हम सीढ़ियां बढ़ते गए वैसे ही हमारे सिलेबस चीजें बढ़ती गई। तो उसी अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है उसमें कुछ सिलेबस, चलिए हम देख लेते हैं क्या सिलेबस। फर्स्ट आपका आता है डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स कलर थ्योरी, ठीक। तो डिजाइनिंग के जो प्रिंसिपल, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग है, आपका जो प्रिंसिपल है, जो प्राथमिकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिजाइनिंग का जो प्रिंसिपल, कलर थ्योरी, कंपोजिशंस, ये आपको सारी चीजें इसमें बताया जाएंगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइन, ये आपका बेस है ग्राफिक डिजाइन का, मतलब ये फर्स्ट टॉपिक है आपका। इस टॉपिक में आपको उसकी प्रिंसिपल यानी उसके सिद्धांत जानना है कि उसके क्या सिद्धांत है, डिजाइन कैसे किया जाता है, तो ये आपको बताया जाएगा कि डिजाइन प्रिंसिपल, कलर एंड थ्योरी, कंपोजिशंस। सेकंड नंबर पे आपका आता है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एडॉप्ट फोटोशॉप क्या होता है, ठीक है। फोटोशॉप हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर इन डिजाइनिंग क्या है, विजुअल कम्युनिकेशंस क्या है, शॉर्टलिंग ब्रांडिंग यूजर इंटरफेस, यूआई डिजाइनिंग इंटरफेस, ब्रांडिंग यूजर इंटरफेस के बारे में आपको बताया जाएगा। ये आपके कुछ जो ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स है, इस कोर्स का ये सिलेबस है। नेक्स्ट इसको करने के, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर आप कोर्स करते हैं तो इसको कोर्स करने के बाद हम जॉब प्रोफाइल क्या पा सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल में बच्चा आप पा सकते हो ग्राफिक्स डिजाइनर का कोर्स, आप मतलब ग्राफिक्स डिजाइनर आप बन सकते हो, यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो, पब्लिकेशंस डिजाइनर बन सकते हो। तो ग्राफिक्स डिजाइन क्या है ये हम जानते हैं कि ग्राफिक डिजाइन जो आपका होता है, जब आप क्लास में पढ़ेंगे कोई ऐसा भी आप ग्राफिक डिजाइन का अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो ये सारी चीजें मैंने बताया। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि ग्राफिक डिजाइन का कोर्स, तो कोर्स क्या है, इस कोर्स को में सिलेबस क्या है, तो इसमें आपके कुछ सिलेबस थे जो कि मैंने आपको बताया कि डिजाइनिंग प्रिंसिपल, कलर थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट से। सेकंड आपका डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एडॉप्ट फोटोशॉप के बारे में बताया जाएगा। थर्ड आपका क्या है, विजुअल कम्युनिकेशंस, आपको शॉर्टलिंग एंड ब्लेंडिंग यूजर इंटरफेस, यूआई डिजाइन के बारे में। इस कोर्स को करने से आप जॉब पा सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं, पब्लिकेशंस डिजाइनर बन सकते हैं।
ओके, कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल आराम से, अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा. ओके, लेट्स नेक्स्ट देख लेते हैं. 12 नंबर पे आपका आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स. अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में देख लेते हैं कि क्या सिलेबस आपका है. जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग हम कर सकते हैं. प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब होता है अगर हम किसी भी चीज को बना रहे हैं तो उसमें हमारी क्या प्लानिंग, मतलब हम कैसे प्लान करें कि ये हमारा प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट मानी असाइनमेंट, ये कैसे बन सकता है. तो उसके लिए पहले हमारी प्री प्लानिंग होगी. अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, अगर आप बीसीए कर रहे हो तो बीसीए करने के लिए आपको प्री प्लानिंग होगी ना. पहले आप सोचेंगे कि अगर हमें बीसीए करना है तो उसके लिए हम पहले सोचिए कि हाँ मुझे ऐसे करना है. मैं 12th किया, 12th करने के बाद अब मुझे बीसीए करना है, तो बीसीए के क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है, उसको मैं पहले एक बार चेक करें. चेक करने के बाद उसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसको करने के लिए उसमें जो सिलेबस है, फर्स्ट सिलेबस आपका है प्रोजेक्ट प्लानिंग. यानी हमें प्रोजेक्ट के लिए बनाने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसको आपको डिस्कस करना है, वो आपको पढ़ाया जाएगा. उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैसे है, उसके क्या यूजेस है, क्या है, उसे कैसे करना है, ये आपको. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, कैसे प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग, मतलब होता है बताना. आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके स्कूल में जैसे क्लास, आप मैं मान लेते हैं क्लास 5th में आप हो, तो 5th से ही चाहे मतलब 1-2 से ही आपके मॉनिटरिंग, मतलब होता है कोई एक बच्चा अगर पढ़ने में बहुत तेज है तो उसे क्लास का मॉनिटर बना देते हैं. मॉनिटर मतलब कि मॉनिटरिंग करना है आपको, ठीक. सारे बच्चों को देखना है, कौन बच्चा आया है, कौन बच्चा नहीं आया है, कौन बच्चा लेट है, कौन बच्चा शरारत कर रहा है, ये सारी चीजों को देखने के लिए वो होता है मॉनिटरिंग करना. मतलब एक दूसरे को बताना, समझना, देखना, ये हमें होता है मॉनिटरिंग करना. तो ये आपको बताया जाएगा प्रोजेक्ट कंट्रोलर, प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल करना है. मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स का मतलब यही है कि प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि हमें कोई चीज बनाना है. फॉर एग्जांपल हम लोग अपने डेली लाइफ में भी अगर यूज कर रहे हैं किसी, अगर हम सुबह उठ रहे हैं, ठीक, सुबह उठे तो हमारा प्लान होना चाहिए ना कि आज हम सुबह उठ गए, आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे ये काम करना है. तो उसी अकॉर्डिंग आपका ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है पूरे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसे बनाना. उसमें कुछ सिलेबस आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो गया, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हो गया, प्रोजेक्ट कंट्रोलर हो गया. कंट्रोल का मतलब होता है कैसे किसी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते. तो ये हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट का जो कोर्स है मैनेजमेंट का, उसमें ये सारे कुछ टॉपिक हैं, ये हमें पढ़ना होगा. कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ अपना 100% देने की कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए. ओके, अब देख लेते हैं कि ये कोर्स करने से हमें जॉब क्या मिल सकता है. तो चलिए देखते हैं जॉब क्या है. तो जॉब प्रोफाइल्स इन इंडिया की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हो. अगर आपको किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो कि इस चीज को हमें ऐसे नहीं ऐसे करना, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर का भी वर्क कर सकते हो. प्रोजेक्ट जो होता है आपका, कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो आप बन सकते हो. बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हो. अगर आपको बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया है तो आप बिजनेस भी अपना बहुत अच्छा कर सकते हो. बिजनेस को कैसे चलाना है, बिजनेस आपका प्रॉफिट लॉस भी होता है बिजनेस में, क्योंकि आप जितना अगर अपनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस में सबसे अच्छा आपको माइंड होना चाहिए. आपका माइंड बहुत अच्छा है तो भी आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो, बिजनेस बहुत अच्छे मिल सकता है. ठीक है, ये हो गया. हमने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स को करने के लिए ये सारे सिलेबस ये हमें पढ़ना पड़ेगा. उसको पढ़ने के बाद हम जॉब आराम से पा सकते हैं. कुछ ये जॉब मैंने बताया, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिटिक्स, देन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर. उसके बाद से ये सारे कुछ टॉपिक्स थे, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश की हूँ कि क्या है, कैसे है, क्या सारी चीजें. तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. अगर कहीं भी थोड़ी बहुत कुछ अगर आप लोगों को लगा होगा कि मुझे चीजें नहीं समझ में आई, तो बिल्कुल भी बच्चा हमें परेशान नहीं होना है. हमें इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना है, चीजें क्या है, कैसे है, आखिरकार हमें क्या चीजें देखने को मिली है. नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा बीसीए की तैयारी कर रहा है तो बीसीए की तैयारी के लिए आराम से आपका अपना परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु जो है यहाँ पे आपको बीसीए की क्लासेस कराई जा रही है. बहुत सी क्लासेस है, बीसीए हो गया, ओ लेवल का कंप्यूटर के कोई भी, कोई डीसीए, डीसीए जो अभी आपकी, मैं बता दूं आप लोगों को नॉलेज के लिए कि अभी हमारे जो चैनल है इस चैनल पे अभी ओ लेवल के प्रैक्टिकल चल रहे हैं. ठीक है, आपके कुछ चैनल है, मैं आपको उसके नाम बता दे रही हूँ. आप लोग उसको जो भी आपके रिलेटिव अगर कोई बच्चा है या आपके फ्रेंड्स हैं या कोई आपके रिलेटिव हैं जो कि ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं और उनका अभी आने वाले जुलाई सेशन, जुलाई तो चल रहा है, जुलाई में आपके अगर प्रैक्टिकल के एग्जाम उनके चल रहे हैं तो आप उन्हें बता दो ताकि उनके एग्जाम जो है अच्छे तरीके से जाए. क्योंकि हमारा जो चैनल है, हमारे जो परिवार है, वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन चला रहा है. डेली शाम को 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपके ओ लेवल के जो चारों पेपर होते हैं, उन चारों पेपर के लिए आपका जो हमारा चैनल है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेंगे ओ लेवल वाला. ठीक है, ओ लेवल वाला चैनल है, इस चैनल को आप जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे. यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है.
तो आपको आराम से जाना है, आराम से जा करके आपको ओ लेवल वाला चैनल को यूट्यूब पे सर्च करना है। इस YouTube चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस मिलेंगी प्रैक्टिकल एग्जाम की, जो भी आपके रिलेटिव है। आप सब में अगर कोई स्टूडेंट है जो कि करना कर रहा है ओ लेवल और उसकी एग्जाम है और वो लग रहा है कि नहीं मेरा एग्जाम है ऐसे से, तो यहाँ पे आपको डेली आपकी जो क्लास की टाइमिंग है, जो बच्चा आपकी क्लास की टाइमिंग है, डेली आपकी क्लासेस जो है वो शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 9 PM तक आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आप लोग लाइव क्लास ले सकते हैं, आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग जा करके यहाँ पे आराम से अपनी क्लास को कर सकते हैं बिना किसी परेशानी, बिना किसी फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया तरीके से, ठीक। एक और इन्फॉर्मेशन हम दे दें इसी अकॉर्डिंग आप लोगों को। सेकंड आपका जो है कि अभी आप लोगों का है सुबह में, सुबह आप लोग के एक हमारा और भी चैनल जिस चैनल पे मैं पढ़ा रही हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिया, वहां पे भी आप जाके कर सकते हैं, यूनिक ऑनलाइन गुरु। ये आपका चैनल है यूनिक ऑनलाइन गुरु। इस यूनिक ऑनलाइन गुरु पे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी BCA फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने क्लास स्टार्ट कराई है, आपके सारे टीचर्स मिल करके आपको क्लास करा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप यहाँ पे जाकर के BCA फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट है, BCA फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट है, जो की आपका 2024 and 2025 के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें आपको पढ़ा रही हैं मैथ्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से, नेहा मैम पढ़ा रही हैं, नितिन सर आपको सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, एंड आशुतोष सर आपको मॉर्निंग में भी इंग्लिश स्पोकन की क्लास अभी 2-4 दिन पहले स्टार्ट की है, उसको भी आप ज्वाइन करिए। सुबह में 7 से 8 इंग्लिश स्पोकन की क्लास चल रही है, एंड राहुल सर आपको 9 बजे पढ़ा रहे हैं क्लासेस जो है आपकी इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा मिलेगी, आप यहाँ कर जाकर के अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सीमा मैम आपको फंडामेंटल की क्लास पढ़ा रही है, वहाँ पे अपनी आप फंडामेंटल की क्लास को ज्वाइन करेंगे। दरअसल प्रियंका मैम भी आपकी BCA फर्स्ट सेमेस्टर की कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस को स्टार्ट करेंगी, आप उस क्लासेस को भी ज्वाइन करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर बैच का नाम आपका है संकल्प बैच, ठीक है। इस संकल्प बैच को हम ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप आराम से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलेंगी जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जिसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन आप लोग आराम से इस वीडियो को देखेंगे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आज हमने जाना कि BCA क्या है कैसे, और भी पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और भी नॉलेज लूं, तो हमारा आपको सीधे सीधे आपने चैनल को देख लिया, अभी हमारा एक एप्लीकेशन भी है। जो बच्चा चाहता है कि मैं कंप्लीट BCA की स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्लासेस करूं, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर हो, आपके कोई भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर हो, जो भी बच्चों का, अगर वो चाहते हैं कि मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक तैयारी करूं, तो बच्चा लोग आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो हमारा एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, बढ़िया से आपको जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाना है, आपको सर्च बार पे सर्च करना है, प्यारा सा एप्लीकेशन है आपका यूनिक ग्रुप, ये यूनिक ग्रुप का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इसे डाउनलोड करने के मात्र कम से कम फीस में आपको क्लासेस कराई जाएंगी, बहुत ही कम से कम फीस में आपको BCA फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर है उस सेमेस्टर की बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस कराएंगी। इस क्लास इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, इस डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी होंगे, उस कॉन्टेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग भी आप आराम से अपनी क्लासेस को कर सकते हैं। तो हम कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मेंशन कर देंगे, बाय द वे डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टेक्ट नंबर, आप वहां से भी कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके भी। अपने सारी की सारी क्लासेस चल रही है BCA से लेकर के ओ लेवल प्रैक्टिकल सारी की सारी क्लासेस कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप लोग के पास फटाफट पहुंचे और आप उस चीज को करके अपने नॉलेज को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो मैं कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोग को मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। ये सारे कुछ कॉन्टेक्ट हैं, इस कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग आप जा करके अपने कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आशा करूंगी कि आप लोगों को जो भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से ओ लेवल वाला चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और हाँ, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे PDF नोट्स वगैरह भी चाहिए, तो बिल्कुल बच्चा आपको परेशान नहीं होना है, हमारे कुछ टेलीग्राम है, मैं आपको टेलीग्राम के बारे में बता देती हूँ। उस टेलीग्राम पे जाकर के आप टेलीग्राम पे जाकर के अपने जो भी, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो हमारा चैनल है आपका ओ लेवल विथ रत्नाकर सर, ठीक है। ये ओ लेवल विथ रत्नाकर सर आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर जो भी बच्चा ओ लेवल कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है जाकर के टेलीग्राम पर, यहाँ पे उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके जो भी आपके लिंक्स वगैरह हैं वो सारे के सारे लिंक इनको मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा BCA कर रहा है तो BCA के लिए वो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं,
बीसीए विद रत्नाकर सर। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे चैनल जहां पे जो बच्चा चाहता है कि मैं घर बैठे स्टडी कर पाऊं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चा आप लोग को परेशान नहीं होना, आप आराम से जा करके यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टेलीग्राम मैंने बताया, यहाँ पे जाकर के आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं ऐसा आशा करती हूँ कि मैंने जो भी ओ लेवल वाला चैनल के बारे में आप बताया, यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही है, आप लोग जाकर के यहाँ पे ओ लेवल प्रैक्टिकल क्लासेस चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स हो वहाँ पे जाकर के आप आराम से कर सकते हैं इस चैनल के बारे में। सेकंड, मैंने आपको बताया कि आप लोग को यूनिक ऑनलाइन ग्रुप यूट्यूब चैनल का आपको मिलेगा, जहाँ पे मैं अभी आपको स्टडी करा रही हूँ। हमारा पूरा परिवार, पूरी टीम आप लोगों के लिए लेके आया है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर संकल्प बैच का, जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर है वो सारे सेमेस्टर। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे हैं परेशान हो रहे कि मैं बीसीए का एडमिशन तो ले लिया हूं किसी कॉलेज में पर मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, तो बिल्कुल बच्चा आपको परेशान नहीं होना, आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमारा परिवार आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस कराएगा, वो भी कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कम से कम फीसेज में। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है, जैसे मैंने बताया कि प्ले स्टोर पे आपको जाना है, प्ले स्टोर पे जाकर के यूनिक ग्रुप एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जो भी कंप्यूटर, और मेन बात यह है कि आप लोगों को जो बच्चा परेशान होते हैं सर्टिफिकेट के लिए कि मैं कोई कोर्स कर रहा हूं और मुझे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान है, क्योंकि आपका जो अपना परिवार है यूनिक ऑनलाइन गुरु, ये यूनिक ऑनलाइन गुरु एंड यूनिक ग्रुप का जो एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे आप कम से कम प्राइजेस में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेट हो, एडीसीए, डीसीए, टैली, शॉर्ट हैंड, कोई भी सर्टिफिकेट हो, आप आराम से यहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो मैं आशा करूंगी कि आज मैंने जो भी सारी चीजें आपको बताई है वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप शेयर करेंगे तो जो लोग भी घर बैठे उनको जो चीज नहीं समझ में आ रही वो आराम से इस चीजों को कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।